अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ आपकी दुआओं से। तो जनाब, मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ऐसा फार्मूला आपको बताने लगी हूँ ना कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। लोग पूछेंगे, यार क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ पाँव तो बिल्कुल ऐसे जैसे नरम मुलायम से हो गए, फूलों मर गए। अच्छा, तो मैं क्या बनाने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ फार्मूला। जैसे कि आपको पता है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हाथ पाँव हमारे बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गए हैं और हमारे जो है ना हाथ पाँव का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। वो कैसे, वो बिल्कुल जैसे डल सा हो जाता है वैसे डल सा होने शुरू हो गया है। मेरा तो होना शुरू हो गया, डल होना शुरू हो गया है। तो मैं क्या बनाती हूँ अपने लिए, मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैंने कहा इस बार अपनी फैमिली के लिए भी ये वीडियो शेयर करूँ, उनको बताऊँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ ताकि आप भी ये यूज़ कर सको। तो चले, हम क्या बनाने लगे हैं, कौन सा फार्मूला बनाने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं हाथों पाँव का फार्मूला क्रीम, जो ख़ास तौर पर सर्दियों में यूज़ होती है। जो आप लगाएंगे ना, बिल्कुल जादू जैसा जादू है, मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल इतना अच्छा ये फार्मूला है कि आपके हाथ पाँव स्मूथ हो जाएंगे बिल्कुल, और वाइटनिंग की तरफ आ जाएंगे आपके हाथ पाँव जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें क्योंकि उससे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो चलें हम चलते हैं क्रीम की तरफ। कौन कौन सी क्रीमें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कैनाडेक्स की क्रीम यूज़ करेंगे। तो ये 15 GM की है और इसके प्राइस क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके प्राइस, हाँ, ये 35 रुपीज़ की है। इतनी महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा फार्मूला है, बन जाएगा और आप जादू दिखा देगा ये। अच्छा, तो उसके बाद हम क्लोबो वाइट क्रीम यूज़ करेंगे, जो ऑरेंज कलर की होती है, क्लोबो वाइट, वो वाली क्रीम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम क्रीम यूज़ करेंगे वो करेंगे बैटनो वाइट एंड क्रीम जो है ना वो यूज़ करेंगे हम। तो उसके बाद हम पॉलीफेक्स ग्रीन कलर वाली यूज़ करेंगे। आप ब्लू भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अगर ग्रीन ना मिले तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डर्मो वाइट क्रीम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लोबो वाइट एंटीमेट, ठीक है ये। तो हम ये सारी क्रीमें यूज़ करेंगे। हमने कितनी मकदार में ये क्रीमें डालनी हैं और कैसे हमने ये क्रीमें डालनी हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ कि ये कैसे। सबसे पहले हमको चाहिए ये बाउल, क्यूट सा छोटा सा ढक्कन वाला हो, ये देखिए ढक्कन वाला हो। और उसके बाद हम क्या चाहिए, चम्मच चाहिए। इसको मिक्स करने के लिए प्लास्टिक का ले लें आप, लकड़ी का ले लें, कोई सा भी ले लें आप, ले सकते हैं। तो चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सारी क्रीमें ये देखिए मैंने सारी की ओपन करनी है और सीरीज की ओपन करनी है कर लिए हैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ। मैंने कहा है कि मैं बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने इसके नाम आपको सारी के बता दें और क्वान्टिटी हमने कितनी डालनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि हमने क्वांटिटी कितनी डालनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डालेंगे डर्मो वाइट क्रीम जो है, वो हम कितनी डालेंगे, वो हम हाफ डालेंगे। तो ये देखिए ये हमने हाफ डाल दी। अब हम पॉलीफेक्स डालेंगे, ये भी हाफ ही डालेंगे हम। पॉलीफेक्स भी हमने डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें डर्मो वाइट एंड क्रीम जो है वो हम डालेंगे, वो भी इसमें हम हाफ ही डालेंगे। मतलब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम अब इसमें डाल रहे हैं क्लोबो वाइट क्रीम जो ऑरेंज कलर की होती है, वो हम डाल रहे हैं, वो भी हमने इसमें हाफ ही डालनी है। जो ये दो की बारी आती है, ये जो कैनाडेक्स क्रीम है ये हमने कितनी डालनी है और हमने क्लोबो वाइट एंटीमेट जो है वो कितनी डालनी है, ठीक है। फुल से देखें थोड़ी सी बचा दी है, ठीक हो गया। ये मैंने फुल से थोड़ी सी बचा दी है, बिल्कुल थोड़ी सी बचाई है मैंने ये फुल से। वो मैंने सारी हाफ हाफ डाली है, ये मैंने फुल से बचा दी है। और ये कितनी डालेंगे हम, इसकी जो है ना हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका हम डालेंगे चौथाई हिस्से से, थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे हम ये जो है ना। ये देखें ये हमने चौथाई हिस्से से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो ये इन सब की क्वांटिटी इतनी करनी है। अब हमने इसको करना है मिक्स। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये प्लास्टिक के चम्मच से आप कर लें या लकड़ी का चम्मच हो आप उससे कर लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपकी बन गई है मैजिक क्रीम।
तो जी हमारी क्रीम हो गई है तैयार। ये देखिए हमारी क्रीम तैयार हो गई है। ये मैंने वन मंथ की तैयार करके रख ली है। इजी आप तैयार करके रख लें इसको, दो दो रोज़ आपने लगाए। आपने इसको कैसे यूज़ करनी है, आपने इसको यूज़ करनी है रात के टाइम, आपने इसको यूज़ करनी है आप अपने पाँव पे लगाए रात के टाइम, आप जो है ना हाथों पे लगाए। उसके बाद क्या करना है, आपने सॉक्स पहन के सो जाना है आपने। अच्छा तो ये आप ग्लव्स पहन के भी सो जाएं, इससे ज़्यादा जो है ना आपके हाथ पाँव सॉफ्ट होंगे और जो है ना कलर उनका फेयर होगा बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह उठ के आपने नॉर्मल जो है ना वार्म वाटर से जो है धो लेना है आपने अपने हाथ पाँव आराम से धो लेने हैं। उसके बाद अगर आप दिन में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। दिन में लगा के आप सॉक्स पहन लें, जैसे आप ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जहाँ भी आपने जो उन सभी काम, या फिर आप हाउसवाइफ हैं तो वो भी आप लगा के सॉक्स पहन के, तो आप सारा दिन अपने घर का काम करें या ऑफिस जाएं या जो भी करें, जो भी आपका काम है वो करें, वो आप कर सकती हैं। तो इसके लगाने का तरीका ये है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इससे। तो आपने ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बनाई और यूज़ भी ऐसे करनी है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा तो चीज़ें ना हमारी वीडियो हो गई है आप पूरी, क्योंकि मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है। इसका नाम मैंने पता है क्या रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है मैजिक क्रीम। ये मैजिक क्रीम ही है। अच्छा तो चलो हमने ये बना लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। हाँ तो जनाब मैं अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे, हमेशा खुश रहें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप से, तो गपशप करेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।